कवर के अंदर भी कुछ कर देते हैं, अभी दिखाता हूँ तुम्हें। माय गॉड भाई, हर एक चीज है भाई, मारुति की नई गाड़ी हो चाहे पुरानी, ताकि सब अपना बेस टू टॉप काम होगा। एक एक चीज ना प्रॉपर लाइफ की सबसे महंगी मॉडिफिकेशन होगी भाई। अब डबल लेयर की डैम्पिंग करवा रहे हैं हम गाड़ी में। एक चीज है, नई गाड़ी बनवाने के लिए जिगर अच्छा, प्रॉपर पूरी वायरिंग खुल गई है। ना करते 1.5 लाख रुपए बजट लेके आए थे। दुख तो होता भाई, नई गाड़ी है यार, दुख नहीं हो। 220 वाट की पूरी सीट इसके अंदर वापस जल्दी है। क्रोकोडाइल ने भी बेस मॉडल लिया, बेस से टॉप करा रही है अभी। The next day. हाय हाय, होय होय, बतो बदी, बतो बदी, बतो बदी। ये देखो पुराना सामान और एक नई गाड़ी, कवर देख रहे हो कितना अल्टीमेट लगा है। Just looking like a wow. अलग ही चमक रही है, पर कुछ होते हैं जलने वाले, वो कवर के अंदर भी कुछ कर देते हैं, अभी दिखाता हूँ तुम्हें। बाकी कुछ बड़ा आ रहा है। माय गॉड भाई, दैट इज काइंड ऑफ फकिंग ब्यूटी। नॉटी अमेरिका, नोबडी। आज हटा देते हैं इसको, बहुत दिन हो गए, क्योंकि हाँ फुल्ली सुबह से अब एक इग्निशन में स्टार्ट हो जाती है, एक छोटे से इग्निशन में। और इसका एसी वो तो भाई टॉप नोच है, टॉप नोच गाड़ी बिल्कुल टॉप नोच है। एक नई चीज लेने की ना भाई एक्साइटमेंट और एक फील अलग ही होती है। ये जो पसीना देख रहे हैं ना, मेहनत का पसीना। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है, समझ रहे हो? बहुत से लोग नहीं समझेंगे, बट तुम और मैं समझ सकते हैं बस। फटाफट से चलते हैं, आज पूरी गाड़ी हमारी बेस टू टॉप हो जाएगी, टॉप टॉप, समझ रहे हो? जितना भी बेसिक फीचर दिख रहा है ना तुम्हें, आज एक नजर मार लो और कल एक नजर मार लेना, कल छोड़ो 2 घंटे बाद ही मार लेना भी, ठीक है? बड़ा बड़े चलते हैं, अपने वकील साहब वेट कर रहे हैं और अपने पिताजी के पास भी जाना है क्योंकि उनका रेफरेंस है कुछ, डायरेक्ट चलते हैं फटाफट। ये भाई मेरे घर से निकलने में आधा घंटा लग जाता है मेरे को। पर एक चीज है भाई, मारुति की नई गाड़ी हो चाहे पुरानी, एसी बड़ा जैन मैन इनका, और इनके इंजन इतने रिफाइंड है ना, बस क्या बताऊं मैं तुम्हें। मेरी हिम्मत नहीं हो रही भाई व्लॉग बनाने की, क्योंकि नई गाड़ी है ना। आओ जी वकील साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई, कांग्रेचुलेशंस। व्लॉगिंग इज ऑन मैन। अब भाई चलना किधर है पहले बताओ। रखा रखा मिल गया, देख ले हमारे पास बिल्कुल रखा रखा है, मिला डीएसपी। डीएसपी देख के खुश हो गया है। डीएसपी मेरे को तो पता भी नहीं था भाई क्या चीज है क्या नहीं है, अपने पास इतना हैवी सिस्टम था पता ही नहीं था मेरे को तो। व्लॉगिंग चल रही है भाई, व्लॉगिंग चल रही है, व्लॉग शूट हो रहा है भाई। बाग में भाई एंटर हो चुके हैं, अपने वकील साहब गए हैं। अब वहां से करोल बाग से हमारे को एक बंदा पिकअप करने आएगा, जिसकी हमने दुकान की थोड़ी बातचीत और पूछा है उससे क्या क्या मिलेगा। और डीएसपी मोनो एम वगैरह ये आज फिट होगा, बाकी सब अपना बेस टू टॉप काम होगा, सारे शीशे, मीटर, स्टेयरिंग और क्या भाई, गाड़ी की लाइटें, बहुत चीजें, पर करवाएंगे हम सब कुछ अपने वकील साहब के अकॉर्डिंग, क्योंकि भाई ये कार के मामले में थोड़े से यहाँ हैं हम, थोड़े अब आ जाएंगे लेवल हो जाएगा मैच। आ गया भाई अतुल का बंदा, आ गया अंदर, गेट तो खोल दे, बैठ भाई। हाँ भैया बेस टू टॉप कर दोगे? हाँ जी सर। चलो जी, लग गई है फिलहाल अंदर की तरफ और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर। ये देखो इस पे 3-4 गाड़ी का काम चल ही रहा है, पहले से गाड़ी लगा दी हम लोगों ने, अभी आ गए हम लोग बाहर। चलो जी अब पहले कोटेशन वगैरह देख लेते हैं, जो होता है उसके बाद ही कराएंगे। अरे एक चीज है वकील, हैं लाल तीनों में लग रहा, देख रहा है। अभी वकील साहब और हम आ चुके हैं, अभी रेड बुल पीते हैं, अतुल भाई की दुकान पे जा रहे हैं, पहले बनवाएंगे कोटेशन, उसके बाद देखेंगे कुछ समझ आएगा। अब हम तो दिन प्रतिदिन बनते जा रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक, हर कॉम्पिटिटर तैयार होता है। प्रॉपर एक खोल के दिखाते हैं अतुल भाई, एक एक चीज, मतलब ये देखो पूरा सील पैक ना मेरे सामने खोला है वकील, बिल्कुल मेरे सामने खोला है भाई जस्ट। ये अभी मीटर है, पहले कोटेशन वगैरह चेक करते हैं उसके बाद बताते हैं आपको जी। अभी बन रही है भाई कोटेशन, अभी सामने गाड़ी चल रही है, वकील साहब कह रहे हैं इससे बड़ी हमारी गाड़ी है। आगे ना एक कार एंथुसियास्ट वाली वो फील होती है, वो जाग जाती है, देख रहे हो हर जगह काम, इधर उधर इधर सामने दाएं बाएं, अंदर आने में 20 मिनट लग गया मेरे को। यहाँ पे एक शिफ्ट और रेडी हो रही है, अभी देखते हैं अपना भाई जिगरा चाहिए कराने के लिए। देख रहे हो नई गाड़ी लाया बंदा बिल्कुल, और देखो डोर भी नहीं खुला इसका, देख रहे हो डोर की पन्नी भी नहीं उतरी है। ये सारा काम कराने के लिए जिगरा चाहिए, और वो जिगरा दिखाएगा तुम्हारा भाई यार। नहीं, मैं नहीं मानता। 2 दिन हुए मेरी गाड़ी को आए हुए, मैंने घर से भी नहीं निकाली, आज लाते यहाँ ले आया और खुलवा दूंगा आज गाड़ी। चेक करते हैं फटाफट, चल रहे हैं, डील हमारी डन हो गई है। यस, यहाँ खुल लेन की गाड़ी, लाइफ की सबसे महंगी मॉडिफिकेशन होगी भाई, अब सबसे महंगी
लाइटों वाइटों पर जो आज पैसा लगाऊंगा, वरना सिस्टम पे तो लगा चुका था 1.5-2 लाख रुपए, सबसे महंगी मॉडिफिकेशन होगी अब यहाँ, क्योंकि इसका बहुत नाम वाम और वीडियो देखी थी। चलो हम भी बना ही लेते हैं इसकी, बाकी ऊपर चढ़ रही है, अब पूरी गाड़ी खुलेगी भाई, अंदर से दिल दुख दुख करेगा, हिम्मत का काम है बहुत। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है मेरे। अब एक एक नट खुल रहा है ना, मेरे दिल के नट खुलने। नई गाड़ी का देखो, ओ भाई भैया जी आराम से करो ना। हेलो गाइस, आई एम सनी लियोनी, मैं कहना चाहता हूं उधर दूर है। पूरा दरवाजा खोल दिया उन्होंने एक मिनट में। हां हां, कंपनी क्या कर दिया, टेढ़ पेड़ होती है, टेढ़ पेड़ अड़ी खुलती जा रही है, एक एक दरवाजा खोल ले ऐसे, दिल खुल रहा है। ये देखो एक एक दरवाजा खुल रहा है ना, मेरे अंदर से धपधप हो रही है, धपधप पैंट पन्नी भी नहीं हटी हुई गाड़ी के अंदर की। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। हाँ। भाई पूरे अपने गाड़ी के दरवाजे खुल चुके हैं, अब होगी इसके अंदर डैम्पिंग। अभी भाई कितनी इंची होती है, 2.5 है ना, 2.5 इंची होती है। डबल लेयर की डैम्पिंग करवा रहे हम गाड़ी में, ताकि इससे क्या होगा, अच्छा अच्छा दबा के नॉइस बाहर की बहुत कम आती है ना, और दरवाजे भारी हो जाएंगे, जो कि बहुत मारुति मारुति समझ सकते हो आप। डबल लेयर की डैम्पिंग हो रही है इसके अंदर, ये देखो भाई डैम्पिंग होगी डबल लेयर, ठीक है, आगे पीछे चारों दरवाजों में डिग्गी बोनट सब कुछ होगा। ओहो लेयर से डैम्पिंग होगी भाई। एक चीज है, नई गाड़ी खुलवाने के लिए जिगरा चाहिए, नई गाड़ी मैं मतलब जिगरा चाहिए खुलवाने के लिए, सही कह रहा हूँ। सामने भी देखो इस बंदे की नई गाड़ी है, बिल्कुल लाते के जाते इन्हें खड़ी कर दी है, हमारी तरह ही बिल्कुल रिबन नहीं उतरा, कल लेके आया आज यहाँ के खुलवा दी है। मेरे दिल से पूछो कैसे धक धक हो रहा है, दर्द हो रहा है गाड़ी में। पिलर भी खुल गए हैं भाई, अब यहाँ पे डलेगी दूसरी अलग लाइट पिलर। चलो भाई सारे काम एक साथ हो रहे हैं, अब गाड़ी में डैम्पिंग इधर हो रही है, सेंट्रल लॉकिंग उधर लग रही है, ठीक है, और इधर पिलर लाइट लग रही है, ये पता नहीं कैसे लगेगी है, बाद में देखेंगे। पर तुमने गाड़ी खोल देना, बड़ा दिल दर्द कर रहा है मेरा, ये आओ दिखाओ। चलो अब तो खुलवाई ली प्रॉपर, पूरी वायरिंग खुल गई है भाई नई गाड़ी की। मेरे ना दिल में धक धक हो रही है, बस क्या ही बताऊँगा तुम्हें। इधर अपनी देखो पिलर लाइट लग गई है, वकील साहब ओके लग रही है। इधर फ्रंट में दोनों डोरों में डैम्पिंग हो गई है, इस वाले डोर में भी डैम्पिंग, प्रॉपर डबल लेयर डैम्पिंग करवा रहे हैं हम लोग। मैं फिर आपको एक बार मेंशन करूंगा, हम लोग डबल लेयर डैम्पिंग करवा रहे हैं, इसमें भी डैम्पिंग होगी, इसमें भी, और अब हो रही है इसके अंदर प्रॉपर डैम्पिंग, इसमें डबल लेयर हो गई, एक अंदर एक बाहर, ठीक है। अब यहाँ सेंटर लॉकिंग लगती जा रही है, काम बढ़ता ही जा रहा है और मेरी फटती जा रही है, सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। ये देखो सारे सेंटर लॉकिंग की मोटर्स वगैरह जो भी होती है, मुझे आई डोंट नो, मीटर लगेगा अभी, स्टीयरिंग चेंज होगा बहुत, पूरा बेस टू टॉप करा रहे हैं ना, ना करते 1.5 लाख रुपए बजट लेके आए थे, बट कम हो गया और ज़्यादा भी हो गया, कुछ कह नहीं सकते। बस अब अंदर का काम हो रहा है, पूरा इंस्टॉलेशन क्लस्टर वगैरह सब बाद में डालेगा, यहाँ पे कोई भी वायरिंग कटिंग नहीं हो रही हमारी, ठीक है, सब कुछ प्रॉपर वर्क होगा, कोई भी इसमें वायर कटिंग नहीं होगी, और इनकी गारंटी और वारंटी रहती है कंपनी से भी रिलेटेड, आपको कोई दिक्कत आती है डायरेक्ट इनके पास आओ, ऐसी तैसी कर दो। वो बहन जो गाड़ी खुली पड़ी है, मैं तो अपने आप को बहुत यूनिक मान रहा था, देखना हर जगह गाड़ी स्विफ्ट खड़ी कर दी ना तो ऊपर, हमारा डिफ्यूजर बिल्कुल सील पैक्ड, ये देखो इसके वो, अच्छा ये रहे ओके ओके। वकील साहब अपना लंच करके हट चुके हैं, अब बाहर की तरफ जाते हैं, मीटर भी हमारा चेंज होगा, बिल्कुल जेन्युइन ZXi+ वाला है भाई अभिषेक भाई, ZXi+ मीटर, गाड़ी की ना लुक ही चेंज हो गई मीटर से, तो प्रॉपर लुक चेंज हो गई मीटर से, देख रहे हो। वह सब नई पेच रखते हैं, बिगर ABS पेच के नहीं आता, ये चीजें ऐसी गिर जाएंगी फिर। हैं जाना है गाड़ी का डोर का क्यों नहीं आ रहा है इसमें, अभी आएगा नहीं ना शायद, टाइम कम आ रहा है यार, जल्दी आ, तुमने तो आधी तैड़ पैड़ काम करना चालू कर दिया। अभी आ गए अपने पावर विंडो वाले भाई, वहाँ एम्बियंस लाइट लग रही है बाहर की तरफ, नंबर प्लेट ओ सॉरी वेलकम लाइट लग चुकी है, काम घिसता ही जा रहा है, खोल गया स्टेयरिंग अपना प्रॉपर, ठीक है, ये आ गया भाई अपना स्टेयरिंग, खोल के दिखा भाई, बिल्कुल मारुति सुजुकी जैनमैन, ठीक है, स्टेयरिंग दिखा भाई ज़रा, हाँ देख रहे हो, ओके की रिपोर्ट, बोल अलग ही लग रहा है।
सारा काम होता जा रहा है, सारी चारों पावर विंडो लग गई है, पर गाड़ी अभी खुली पड़ी है भाई। मेरी धड़कने वही हैं अभी भी वैसी हैं, अभी कुछ बंद नहीं हुई है। ठीक है, चारों पावर विंडो लग रही हैं, अभी पूरी लग चुकी है, मोटर वगैरह इसकी फिटिंग होती है। एक चीज़ मुझे बढ़िया लगी, कंपनी ना आपको नट्स वगैरह दे देती है, जैसे पावर विंडो लगाई है इन्होंने तो नट्स वगैरह दे रखे हैं कंपनी ने कि होल करने की ज़्यादा जरूरत ना पड़े। दो तीन होल होते हैं भाई, ये मैंडेटरी हैं, ये करवाने ही पड़ेंगे। बाकी डैम्पिंग मैं आपको एक प्रेफर करूँगा, मेरे को बहुत बढ़िया चीज़ लगी, डैम्पिंग ज़रूर कराना अपनी गाड़ी में, है ना। और ये जो स्पॉयलर लाइट है ना, इट्स ऑसम। अपना नीचे डिफ्यूज़र लग चुका है प्रॉपर, इसकी शाम तक वीडियो आएगी, देखना भाई नीचे डिफ्यूज़र कितना प्यारा लग रहा है, देख रहे हो। पर अपना स्पॉयलर लगेगा अभी, और ये सिस्टम हम बाद में सेट कराएंगे, अभी इन्फिनिट अगर अपना जो क्विड में था 2 लाख रुपये वाला सिस्टम, ये बाद में सेट कराएंगे हम लोग। अभी नई गाड़ी को खुलवाना कोई हंसी मजाक नहीं है भाई, मेरी फट रही है अंदर से। और हम लोग सुबह आए थे 12 बजे, अब बज चुके हैं 5:30, 5 बज चुके हैं, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है। लगभग आधा काम निपट चुका है। कंपनी से आते भाई ऐसे डोर ब्लैक कलर का आता, हमने लगवाया क्रोम गार्निश वाला, और हमने इसके अंदर लगवाया ये बूट ओपनर अलग से, ये भी कंपनी नहीं देती है। ये देखो बूट ओपनर प्रॉपर वर्किंग के साथ, ठीक है भाई, बहुत ज़रूरी है, देख रहे हो बहुत फ़र्क पड़ जाता है डैम्पिंग से। देखो जो ये वाला पिलर है इसके अंदर डैम्पिंग हुई है, इसके अंदर नहीं होती, आज में देखो कितना फ़र्क है। डैम्पिंग भाई कोई ऐसी वैसी वाली नहीं है, कौन सी है अभिषेक भाई? मिंडा की ओरिजिनल डैम्पिंग है, 2.5 mm की है ना। वैसे फर्क पड़ा, वैसे सही बताइयो डैम्पिंग से उठा के दियो, मतलब देखो बंद कर, झूठ नहीं बोलूंगा आप लोगों को, मैं अपनी गाड़ी का बजट बना के आया था भाई 50 से 60 हज़ार रुपए, और ना करते ना एक पेटी बैठ गया है आराम से, बैठ गया नहीं बैठ गया, 1 लाख समथिंग से ऊपर बैठ गया है। अभी हमने हिसाब लगाया था तो 90,000 रुपए तो ऐसे ही बन रहे हैं, जिसमें कि अभी हमारे अलॉय व्हील्स नहीं लगे, अभी अलॉय नहीं लगे, लाइटें नहीं लगी, एम्बियंस नहीं लगा, बहुत चीज नहीं लगी। अभी अपनी गत्तों के अंदर मतलब ये जो टॉप मॉडल वाले हैं सारे के सारे, देख रहे हो जितने भी हैं सब टॉप मॉडल वाले हैं। अभी पीछे तो पियानो नहीं है, गाड़ी की पूरी सीटें खुल गई भाई, अब नीचे होगी पूरी क्रोकोडाइल अपना मैटिंग, पूरी गाड़ी में मैट बिछेगा पूरा क्रोकोडाइल वाला। साला मेरे तो फटती जा रही है, कभी ये खुल रहा है कभी वो खुल रहा है, क्या बोलूं भाई मेरी जान बता। पूरी गाड़ी नंगी कर दी भाई इन्होंने, देख रहे हो वहाँ पूरी गाड़ी की बस, मेरा दिल बोल रहा है मुझे पता कैसे करवा रहा हूँ मैं काम, क्या ले लो ये चढ़ गया लेने के लिए पर नहीं यार, पूरी गाड़ी नंगी हो गई, देख रहे हो ओयो बना दूं मैं तो, अगर इतना स्पेस मिल जाए ना अंदर जितना है, मिनी ओयो बना दूं, मुझे पता है दुख तो होता भाई, नई गाड़ी है यार दुख नहीं होगा। ये देखो बिल्कुल नई की नई क्रोकोडाइल अपना निकल रही है, क्रोकोडाइल वाली मैटिंग देख रहे हो, अबे बंदा प्रॉपर अंदर काम करेगा। थोड़ा आराम से बोल यार, दर्द हो रहा भाई सही में भाई, अब पूरी गाड़ी में मैटिंग हो रही है पूरी, भाई ने पूरा मैट फाड़ दिया है, भाई आराम से कर, बहुत दर्द हो रहा है यार तुझे नहीं पता भाई। अबे पूरी गाड़ी का ही आता है क्या मैट, ये फ्लोरिंग है भाई फ्लोरिंग है, फर्क तो बढ़ गया वकील है। देखो भाई वो खोलते तो ऐसे हैं ये जैसे इनकी मौसी का घर का दरवाजा हो, बंदा ऐसा काम कर रहा पैर 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 जानते बिल्कुल पैर पैर। तो भाई आराम से कर ले यार कोई दिक्कत नहीं है, तू 4 वेलक्रो एक्स्ट्रा लगा दियो। नहीं पर अपने को देखना भाई, गाड़ी का पूरा सारा सामान निकाल के छत पे रख दिया इन्होंने A to Z, अंदर डैम्पिंग हो गई है, मैटिंग हो गई है, गाड़ी को टॉप नोच बना दिया, स्पॉयलर लाइट, डिग्गी का बटन, अंदर मीटर, टॉप मॉडल वाला ZX5+ वाला, ठीक है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क रहता है, स्क्रीन हो जाती है इतनी बड़ी, ठीक है। तीसरी बात इसका हमने लगवा दिया भाई स्टीयरिंग कंट्रोल भी अलग, पट्टी भी चेंज करा दी, गियर नॉब भी चेंज करा दिया, लाइटें भी लग गई, सेंटर लॉक भी लग गया, और अपना पावर विंडो वेलकम प्लेट देख रहे हो, वेलकम प्लेट प्लस अपना अंदर वाइट लाइट और पिलर लाइट्स लगवा दी भाई, और स्पॉइलर लगेगा अपना, डिफ्यूजर लग गया, ये देखो अभी भाई डिफ्यूजर देखो भाई नीचे से कितना प्यारा लग रहा है, देखो अंदर पूरी गाड़ी की K4 लाइट लगवाई है ओरिजिनल वाली एम्बियंस लाइट, ठीक है। और दूसरी बात अपना भाई ऊपर लगेगा स्पॉइलर अभी मॉन्स्टर वाला, और कल होगी अपनी छत वकील जी के हिसाब से, ये अपने अंदर विंडो की ओरिजिनल 220 वाट की हेलोजन HRD लाइट है, HRD होती है LED होती है, LED HRD में फर्क क्या होता है, HRD के ब्लास्टर हो जाता है, इन सब के लिए नहीं है। चलो
इसका कितना साल का वारंटी बताया आपने? दो साल का ऑन काउंटर है ना, पूरी सीट इसके अंदर वापस जल रही है, क्रोकोडाइल मैटिंग हो गई है। और हमारे भाई बता रहे थे कलर बड़े बढ़िया चूज करें हम, हैं भाई की भी क्रेटा रेडी हो रही है भाई यहाँ पे देख रहे हो, पूरा उन्होंने भी बेस मॉडल लिया, बेस से टॉप करा रही है अभी। यूपी के हैं, कैमरा भी लगवा रहे हैं बैक में है ना, बैक कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर अपनी डल रही है, विंडो की इधर लाइट है ठीक है। कितना अतुल भाई कितना वॉट है? 220 वॉट डल रहा है इसका, और कोई ज्यादा फर्क नहीं, 19-20 का ही फर्क है ना। ये देखो भाई बेल्ट अंदर कर दे, भाई देख रहे हो पूरा नीचे हो गया भाई, क्रोकोडाइल मैटिंग गाड़ी में मैं जान आ जाती है, ये मैटिंग पुटिंग करा करा करके। अभी हमने डैम्पिंग आदि कराई थी, थोड़ा सा ना पोर्शन रह गया था, तो भाई तो चले गए थे, पर देखो अपने भाई ने दोबारा रिपीट हमें बताया कि ये चीज़ बेस्ट है कि इसमें जितने भी होल वोल है ना ये सारे पूरे प्रॉपर कवर होने चाहिए, तभी ये ना पूरा साउंड प्रूफ रहेगा, जितनी आवाज़ बाहर की अंदर नहीं है, समझ रहे हो। ओके करके तो ओके करके हमने काम तो करवा दिया, बस व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, मुझे पता थोड़ा सा बोर ना हो तुम लोग, इसलिए इस व्लॉग को करते हैं दो पार्टों में डिवाइड, इधर पर इधर ठीक है। तो आज का हमारा एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल जो आएगा भाई वो गाड़ी का फाइनल लुक दिखाएंगे हम आपको, फाइनल लुक कि 170,000 रुपये अगर एक गाड़ी पे लगा दिए जाए तो वो कैसी दिखेगी। ओह गॉड, एक बार दिला दे, आपको भी तो पता लगे कैसी दिखेगी। जब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अब तुम्हारा भाई अजय स्विफ्ट के मजेदार और मॉडिफिकेशन वाले ब्लॉग लाता रहेगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिएगा। मुझे पता है ब्लॉग बहुत लेट आ रहे हैं, गाली मत देना, एक दिल डाल देना, जल्दी आ जाएंगे हम लोग ठीक है, सॉरी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।